प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास नए चैप्टर दो चालक की समीकरण में बहुत विशेष प्रकार के समीकरण को हल करना बता रहे हैं। ये आ रहा है तुम्हारी एक्सरसाइज 3.6 में। एक्सरसाइज 3.6 के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट है, मैंने क्वेश्चन दे रखा है 1/2x + 1/3y = 2। डिविजन फर्स्ट हो गया। सेकंड है 1/3x + 1/2y = 13/6। यहाँ हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसको समीकरण एक से हमारा 1/2, ये है 1/2x, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 1/2 × 1/x, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते 1/2x है ये, इसको कर देंगे हम 1/2 × 1/x, ऐसे ये है 1/3y, इसको कर सकते हैं हम 1/3 × 1/y, कर सकते हैं ऐसे, इसको कर देंगे ऐसे ही, इसको कर देंगे। तो देखो ये 1/x, ये 1/y, है ना। यहां लिखेंगे हम, माना 1/x = p व 1/y = हमने q मान लिया, ठीक है। 1/x हमने p मान लिया, 1/y हमने q मान लिया, तो क्या ये हो गया, ये 1/x में p माना तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 × p, मतलब p/2। ये होगा नहीं होगा, ये हमने q माना है, इसका क्या हो जाएगा 1/3 × q, मतलब 1 × q = q हो जाएगा, q/3। क्लियर हो गया नहीं हुआ, तो इसको हम कर सकते हैं p/2 + q/3 = 2, हो गया ना। कैसे हो गया, 1/x = p हो गया और 1/y = q हो गया, अपॉन 2 आ गया, अपॉन 3 बचा, हमने नीचे लगा दिया, यहां से एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन लेंगे, क्या हो जाएगा 3 + 6 हो जाएगा, यदि हम 2 से जाएंगे 6 को, 3 टाइम होगा, 3 करेंगे मल्टीप्लाई, क्या 1 मानेंगे, क्या हो जाएगा 3p + ऐसे ही हो जाएगा 2q = 2, अपॉन 1 मान लिया, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया 3p + 2q = 12, ये हो गया हमारा समीकरण इक्वेशन 3rd। क्लियर हो गया। इसी तरीके से सेकंड को लेंगे, ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड से, क्या हो जाएगा ये p/3 + q/2 = 13/6, ठीक है। अब इसका हम ऐसे ऐसे लेंगे, 6 आएगा, क्या हो जाएगा 2p + 3q = 13/6, ये पूरा एक भिन्न है, ये पूरा एक भिन्न है, दोनों भिन्न हमारी बराबर है, तो हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा जैसे हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई 3p + 2q × 6 = 13/6, इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया, ऐसे लिख देंगे, हम 6 से 6 को ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो हम ये न करके सीधा सीधा यही हम काट देंगे, 6 से 6 कट जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। क्या बचा,
हमारा बचा ये 2p + 3q = 13, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब लिखेंगे हम समीकरण थर्ड व फोर्थ से, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 हमारा ये है 3p + 2q = 12, समीकरण थर्ड है ये, और समीकरण फोर्थ ये है हमारा 2p + 3q = 13, ये हो गया समीकरण फोर्थ। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब तुम सॉल्व इसको चाहे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या वज्र विधि से, वज्रगुण विधि से, किसी से भी हम हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसको बता रहे तुम्हें, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से मतलब क्या करना पड़ता है, हमें एक को हमें खत्म करना पड़ता है, या तो आगे पी को खत्म करना है या हमें ऐसे क्यू को खत्म करना है। जब पी को खत्म करेंगे तो ये दोनों सामने जो गुणांक है ये बराबर होने चाहिए और साइन दोनों के अलग होना चाहिए। अगर हम क्यू को खत्म करेंगे ऐसे क्यू काटेंगे तो क्यू के गुणांक जो ये बराबर होने चाहिए और इसके साइन भी अलग अलग होने चाहिए। अब हमें बराबर करना है, क्या हम मानो क्यू को बराबर करें तो हमें 3 और 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या आएगा 6 आएगा। भाई हमने 2 का और 3 का एलसीएम निकाला तो ये 6 आ गया। अब 6 को हमें 2 से भाग देंगे तो 3 आ गया। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर लिखेंगे या सीधा सीधा एलसीएम में 2 का भाग देंगे 3 आया तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से व समीकरण 4 में, इसमें 3 से भाग दो 6 को 2 आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। अब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी क्या लिखा समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3 × 9 p + 3 × 6 q = 12 = 36, ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड। अब इसमें करेंगे हम 2 से 3 का भाग देंगे 2 का हो गया 2 से गुणा करने पर तो 2 × 4 p + 3 × 6 q = 13 × 26, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। साइन चेंज करेंगे माइनस ये तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा 5p = ये क्या हो जाएगा 10 हो गया, ये घटाएंगे 36 घटाएंगे 10 बचेगा, पी बराबर हो जाएगा हमारा 10/5, 5 × 5 = 10, पी बराबर हो गया हमारा 2। अब हम मान निकालेंगे सीधे से क्यू का, क्या करेंगे पी का मान समीकरण 4 को थर्ड में लगा दो या फोर्थ में लगा दो, किसी में लगा दो दोनों समीकरण को बराबर सही है, तो हम लिखेंगे पी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है, ये है एक बार लिख लो उसको 3p + 2q = 12, तो 3 × p = 2 + 2q = 12, क्या हो जाएगा भाई इसको याद रखू मैं 3 × 6 + 2q = 12, तो 2q = 12 - 6 2q = 6 q = 6/2 3, तो q बराबर हो गया हमारा 3। तो p का मान आ गया 2 और q का मान आ गया 3, लेकिन हमें पी क्यू के मान नहीं निकालने, हमें तो एक्स वाई के मान निकालने हैं, केवल हमारी संख्या में एक्स वाई है ना, यहाँ पी क्यू नहीं आया, हमारी जो मेन संख्या है वो ये है, ये तो हमने बनाई थी, तो हमें मान निकालने एक्स वाई की, और एक्स वाई मान कैसे निकालेंगे, यहां करता हूं मैं, हमने क्या माना था, हमने माना था 1/p = हमने एक्स माना था, ये माना था ना 1/x = p माना था हमने,
तो यहां वन पॉइंट बी इक्वल टू एक्स का मान कितना है, वन पॉइंट बी इक्वल टू एक्स, सॉरी वन पॉइंट एक्स इक्वल टू मान था, वन पॉइंट एक्स इक्वल टू पी मान था हमने, वन पॉइंट एक्स इक्वल टू पी, तो वन पॉइंट एक्स इक्वल टू पी का मान कितना है हमारा, पी का मान है हमारा दो, तो बराबर दो कर दिया हमने, इसके अपॉन वन मान लिया हमने, किया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू जाएगा वन पॉइंट टू, ये हमारा यहाँ एक्स का मान जो यहाँ दे रखा है। इसी तरीके से वो वन अपॉन बाई इक्वल टू हमने क्यू माना था, वन अपॉन बाई इक्वल टू क्यू, क्यू का अंतर आया हमारा थ्री, तो वन अपॉन बाई इक्वल टू थ्री, इसका अपॉन वन मान लिया क्रॉस मिटा दिया, तो थ्री बाई इक्वल टू वन हो गया और बाई इक्वल टू हो गया हमारा वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो हमारा एक्स का वन आया हमारा वन अपॉन टू और बाई का वन आया हमारा वन अपॉन थ्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बस ये ध्यान रखना है कि नीचे जो बट्टे में एक्स आ रही है ये एक्स वाई आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए बट्टे में, ठीक है। अगर ऊपर होती तो हम उसको नहीं मानते, पहले निकाला हुआ तुमने, हमने कराया था जैसे एक्स प्लस वाई बराबर दो होता था, तो ऊपर हमारी एक्स होती थी नीचे नहीं होती थी एक्स वाई, तो उसमें हम सीधा सीधा करते थे, लेकिन यहाँ नीचे आ रहा है इसलिए इसको नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आ रहा है क्या कि हमने वन पॉइंट एक्स को हमने बी मान लिया, वन पॉइंट वाई को क्यू मान लिया, तो यहाँ बी बटे टू प्लस क्यू बटे थ्री बराबर दो हो गया, एलसीएम लिया और इसको समीकरण ये बना लिया। इसी तरीके से इसमें भी ये हो गया एक बटे तीन क्यू, एक बटे तीन पी प्लस एक बटे दो इंटू क्यू बराबर ए, एलसीएम लिया इससे हमने समीकरण ये बना लिया, ठीक है। और बाद में इसको हमने सॉल्व किया, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बताएंगे इसमें, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है बच्चों, तो कम से कम छह नंबर में ही आएगा, ठीक है। ये शायद गाड़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इसमें से भी हमारा 10-12 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें, थ्री का सेकंड क्या है, टू अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट बाई इक्वल टू टू, क्योंकि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड है फोर अपॉन रूट एक्स प्लस माइनस है ये माइनस नाइन अपॉन अंडर रूट बाई इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जैसे हमने पीछे माना उसे करेंगे, माना इसको करेंगे वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट एक्स, क्योंकि टू अपॉन रूट एक्स क्या लिखेंगे हम, टू इंटू वन अपॉन रूट एक्स लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ऐसे ही थ्री अपॉन रूट बाई हो जाएगा हमारा, थ्री इंटू वन अपॉन रूट बाई होगा ना, ऐसे ये फोर अपॉन रूट एक्स हो जाएगा हमारा, फोर इंटू वन अपॉन रूट एक्स होगा ना, ऐसे ये नाइन अपॉन रूट बाई इक्वल टू हो जाएगा नाइन इंटू वन अपॉन रूट बाई होगा ना, तो यहाँ वन अपॉन रूट एक्स आ रहा है, यहाँ वन अपॉन रूट एक्स आ रहा है, इसको हमने मान लिया पी, क्लियर। वो वन अपॉन रूट बाई इक्वल टू हमने मान लिया क्यू, तो जब हम यहाँ पी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टू पी होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्यू मान लिया तो ये जाएगा थ्री क्यू, ये ऐसे ही वन अपॉन रूट पी माना हमने, क्या हो जाएगा फोर पी, ये क्या हो जाएगा नाइन क्यू, ठीक है ना। अब यहां लिखा हुआ है समीकरण एक से, क्या हो जाएगा ये टू पी प्लस थ्री क्यू इक्वल टू टू, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया हमारा थर्ड, और यहां समीकरण दो से
ये क्या हो जाएगा, फोर बी माइनस के नाइन क्यू इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया समीकरण इक्वेशन फोर। क्लियर हो गया इक्वेशन फोर हो गया ये। अब हमें बराबर करना है, देखो चाहो तो पी को बराबर कर लो, चाहो क्यू को बराबर कर लो। पी को बराबर करेंगे तो हमको बराबर भी करना पड़ रहा है, साइन दोनों के एक जैसे हैं, तुमको साइन भी बदलना पड़ेगा। दो काम हो गए, एक तो बराबर करने का, एक साइन चेंज करने का। अगर हम क्यू को बराबर करते हैं एक काम हो गया, और साइन दोनों के पहले से ही अलग अलग है तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, या प्लस का है या माइनस का है। तो इसमें काम कितने करने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक। इसमें काम करने पड़ रहे हैं दो, उसमें काम करना पड़ रहा है हमें एक। तो वो काम करेंगे जिसमें हमें कम से कम काम करना पड़ रहा है, क्यों कोई काम जितना बड़ा होता है उतना ही गलती होने का ज्यादा हो जाते हैं, कोई काम करने में कम समय लगता है उसमें गलती होने का कम होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए हम उसको क्यू को बराबर करेंगे। और क्यू को बराबर कैसे करेंगे, तीन का और छह नौ का निकालेंगे एलसीएम, तीन का और नौ का निकालेंगे एलसीएम, नौ आएगा, तीन का भाग देंगे हम नौ में तो तीन हो जाएगा, तीन आएगा, तीन क्या नौ गुणा करेंगे, तीन क्या नौ नौ हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण थर्ड में तीन से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तीन दूनी छह पी प्लस तीन तीन नौ क्यू बराबर तीन दूनी छह। समीकरण थर्ड हो गया हमारा, इसमें तो कुछ नहीं करना, फोर बी माइनस के नाइन क्यू इक्वल टू माइनस के वन, इक्वेशन फोर हो गया। देखो ये तो थान पान अलग अलग है, कट जाएगा ये, योग्य क्या हो गया दस बी हो गया बराबर, या पांच बचेगा बी बराबर हो गया हमारा पांच बटे दस। ये संख्या हमेशा नीचे आती है, बच्चे क्या करते हैं कभी कभी मालूम है, दस बी बराबर पांच लिख दिया, बी बराबर क्या करेंगे दस बटे पांच कर देंगे, क्योंकि पांच का भाग दस में चला जाएगा पूरा पूरा, तो वो दस बटे पांच कर देते, ऐसा नहीं होता, जो संख्या मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगी, ठीक है, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो संख्या मल्टीप्लाई में है वो हमेशा डिवाइड में आती है। क्लियर, तो ये गलती मत करना, ये गलत है, ठीक। तो उसको काटेंगे पांच एक पांच पांच में दस, तो पी बराबर हो गया हमारा, इसीलिए पी बराबर हो गया एक बटे दो, ठीक है, पी बराबर एक बटे दो आ गया। अब पी का मान समीकरण तीन में डाल दो, पी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर क्या, समीकरण थर्ड ये हमारा टू पी लिखो से एक बार गलती नहीं होगी, इक्वल टू 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 इंटू पी का मान है हमारा 1.2, क्या हो गया 1.2 प्लस 3q इक्वल टू टू, इसे कट जाएगा वन टाइम, तो 1 प्लस 3q इक्वल टू टू, तो 3q इक्वल टू टू, इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो 3q इक्वल टू वन, तो q इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें मान निकालना है x और y का। अब क्या करेंगे, हमने माना था क्या, माना था 1/√x इक्वल टू, हमने माना था पी, माना था ना, क्या करेंगे 1/√x इक्वल टू पी का मान कितना है हमारा 1/2 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा √x इक्वल टू टू, ये आ गया √x इक्वल टू टू। अब क्या करेंगे हम, हमें एक्स का मान निकालना है, ये हमारा रूट आ रहा है, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा
अंडर एक्स इक्वल टू टू वर्ग करेंगे तो मतलब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा टू इंटू टू, टू इंटू टू इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू आ गया हमारा फोर। क्लियर? इसी तरीके से हम बाई का मान निकालेंगे, बाई का मान इधर कर रहा हूं, देखो हमने माना था वन अपॉन रूट बाई इक्वल टू क्यू, तो वन अपॉन रूट बाई इक्वल टू क्यू कौन सा आया हमारा, क्यू कौन आया वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री करेंट क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा अंडर रूट बाई इक्वल टू थ्री, और यहां भी दोनों तरफ वर्क करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर अंडर रूट बाई का स्क्वायर बराबर थ्री का स्क्वायर, इसे दूसरे स्क्वायर कट जाएगा तो बाई इक्वल टू आ गया यहाँ थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन, इसीलिए एक्स इक्वल टू आ गया हमारा फोर और वाई इक्वल टू आ गया हमारा नाइन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, कोई इसमें बस इसमें क्या करना है इसको ध्यान रखना है कि हमको किसको पी मानना है किसको क्यू मानना है, या हम पी क्यू ना मान के एम एन या एक्स वाई आ रहा है तो हम उसको ए और बी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं, जो मानेंगे बस ध्यान रखना वो यहाँ नहीं होना चाहिए, जैसे वन पॉन एक्स है ये तो हम इसको वन पॉन वन पॉन एक्स को हम एक्स नहीं मान सकते, इतना ध्यान रखना है, या एक्स वाई आ रहा है तो एक्स वाई को छोड़ के तुम ए से लेके जाकर कुछ भी मान लो। ठीक है, वन पॉन एक्स वन पॉन रूट एक्स को हमने बी मान लिया, यहाँ वन पॉन अंडर रूट वाई को क्यू मान लिया, ई मान हमने इसमें लगा दिए समीकरण संचार हो गया, और इस तरह के समीकरण हमने पहले सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये हमारी मान आ गई पी और क्यू के, ये पी और क्यू के मान द्वारा सीख हमें जो हमने माना था वन पॉन रूट एक्स इक्वल टू बी उसमें लगा देना है और हमारे एक्स वाई के मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं।